नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन वैनेडियम के बारे में बताऊँगा। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और ये किस किस बीमारी में वर्क करती है और क्या डोजेज लेनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वैनेडियम। दोस्तों, वैनेडियम मेटल से बनाई जाती है, यानी कि ये मिनरल किंगडम की दवा है। दोस्तों, वैनेडियम का एक्शन हमारे ब्रेन पे होता है, लंग्स पे होता है, हार्ट पे होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पे होता है और ब्लड पे होता है। दोस्तों, अब मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स बता देता हूँ। दोस्तों, वैनेडियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उस समय जब आपका हीमोग्लोबिन रेशियो कम हो जाता है, आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा कम जाती है और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन का लेवल कम जाता है बॉडी में। तो उस समय अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको ये पूरी करती है। एक तरह से ये एक ऑक्सीजन कैरियर के रूप में भी होम्योपैथी में जाना जाता है, एक कैटालाइजर के तौर पे माना जाता है। उसके साथ साथ ये उस बीमारियों में भी वर्क करती है, जैसे वास्टिंग डिजीज़ जिसको कहते हैं। वास्टिंग डिजीज़ कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी एमेसिएशन हो रहा है, अगर आपका बॉडी में यानी कि कहीं पे मांस गल रहा है या आप दुबले पतले होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे ब्लड के लॉसेस हो रही है, एनेमिक हो रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, जिसके कारण उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस समय ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है और जो वेस्टिंग डिजीज़ है उसको ये रिमूव करके उसको सही कर देती है। उसके साथ साथ ही ये हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ाती है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा को भी मेंटेन करती है। साथ ही साथ जो टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में, जो विष पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स कहने का मतलब यह होता है जो विष पदार्थ है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ को इम्प्रूव करती है, डिजीज़ को बनाती है। जैसे कुछ आप खाते पीते हैं तो ब्लड में जाता है तो उसमें टॉक्सिन्स भी जमा हो जाते हैं, तो ये एक तरह के टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर देता है, कैटालाइजर के तौर पे कर देता है, यानी कि आपके ब्लड को प्यूरीफाई कर देता है, जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको ये हटा देता है। साथ ही अगर कोई वायरुलेंसी का खतरा है, अगर संक्रमण का डर है, तो इसके ऑक्सीजन के लेवल से ले बढ़ाने से जो टॉक्सिन्स हैं वो हट जाते हैं, तो आपके जो संक्रमण दर है किसी भी बीमारी का, चाहे वो रेस्पिरेटरी अल्सर है या जो भी बीमारी है जिसका संक्रमण रेशियो बढ़ रहा है, तो इस मेडिसिन को लेने से उसका संक्रमण नहीं होता है। यानी कि ये प्रिवेंशन के तौर में भी, प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर भी काम करता है। साथ ही साथ इस मेडिसिन को अगर लीजिएगा तो आपके बॉडी में फैगोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, फैगोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। फैगोसाइट्स जो होते हैं आपके बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं, तो ये आपके बॉडी में फैगोसाइट्स को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है वैनेडियम लेने से। अगर कोई डीजेनरेटिव डिजीज़ हो गया है आपको, जैसे लिवर फैटी हो गया है, डिजेनरेशन ऑफ लीवर यानी कि फैटी लीवर की भी ये बहुत अच्छी दवा है। फैटी लीवर की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, डिजेनरेटिव कंडीशंस ऑफ लीवर एंड आर्टरीज, यानी कि लीवर के जो आर्टरीज एंड जो उसका साइज है उसमें आपको ये डिजेनरेशन हो रहा है, लीवर का आकार बढ़ गया है, फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो उसमें टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी वर्क करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे। अगर आपको भूख कम लग रही है, फैटी लीवर होने के कारण आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है या आपको गैस बन रहा है, इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा है, यानी कोलाइटिस हो रहा है, इंटेस्टाइन में दर्द होना, इन्फेक्शन होना, उसमें भी ये
अच्छी करती है, और साथ साथ ये यूरिन को भी साफ़ करती है। अगर यूरिन में अगर टॉक्सिन्स या अगर वेस्ट मटेरियल उसमें जमा हो गया, इकट्ठे हो गए हैं, तो वैनेडियम को लेने से यूरिन भी साफ़ हो जाता है। आपका यूरिनेशन की प्रक्रिया को भी ये ठीक कर सकता है, कर देता है। साथ ही साथ अगर आप एनेमिक है तो आपको चक्कर आएंगे तो चक्कर को भी ये ठीक कर देगा, ट्रेमर आएंगे उसको ठीक कर देगा, वर्टिगो आएगा उसको ठीक है। अगर साथ साथ अगर आपको हिस्टीरिया की कंडीशन आ रही है, अगर एनेमिक होने के कारण हिस्टेरिक कंडीशन आ रहे हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है। अगर आपको वर्टिगो के कारण न्यूरोरेनाइटिस हो गया है या ब्लाइंडनेस हो गया है, न्यूरोरेनाइटिस के साथ साथ ब्लाइंडनेस हो गया है, तो उसमें भी आपको ये वर्क करेगा। साथ साथ ये आपको अगर कफ है, लंग्स में कफ हो रहा है या पैरोक्सिज्मल कफ हो रहा है, यानी कि एक बार फिर रुकेगा, फिर यानी कि एक अंतराल से कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, पैरोक्सिज्मल हो रहा है, तो और उसके साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आ जा रहा है कफ के साथ साथ, तो उसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर आपके गले में खराश हो चुका है, साथ साथ सूखा है, कफ सूखा हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, और आपके आँख भी धुंधली दिखाई देने लगती है, और नाक भी सूख जाता है, और उससे भी ये कंडीशन को ये ठीक कर देता है। उसके साथ साथ ये पुरानी टीबी में भी वर्क करती है, ट्यूबरकुलोसिस में भी ये हेल्प करती है। साथ साथ अगर आपको डायबिटिक हैं, रूमेटिक डायबिटीज़ है, साथ साथ गठिया है, क्रोनिक गठिया है, और आपको डायबिटीज़ है, दोनों एक साथ है, तो उसमें भी ये रामबन दवा है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल फिट करके रखती है, जो टॉनिक के रूप में भी ये काम करती है। दोस्तों, हार्ट पे इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसके कारण हार्ट का आउटपुट या हार्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो बिगड़ जाता है। अगर आपके जो एरोटा है, जो हार्ट ब्लड प्योरीफाई करती है, और एरोटा में ब्लड जो है सो कंप्रेस होता है, जम जाता है, जिसके कारण एक टाइप आता है फैटी हार्ट, एक मेडिकल कंडीशन होती है फैटी हार्ट। ये होता है फैटी हार्ट होता है डिजनरेटिव स्टेट, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छी वर्क करता है, यानी कि आर्टरीज का एरिथ्रीमा हो जाना, एथ्रियोमा ऑफ आर्टरीज ऑफ ब्रेन एंड लिवर, इसमें भी ये बहुत अच्छी वर्क करती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साइन एंड सिम्टम्स इस प्रकार के हैं, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्या किस किस बीमारी में वैनेडियम को लेना है। तो सबसे पहले, अगर आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम गया है तो आप वैनेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका लिवर बढ़ गया है, उसमें आपका हार्ट का एक्शन गड़बड़ा गया है, उसमें आप कर सकते हैं। आप एनेमिक है, उसमें आप कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया है, उसमें कम कर सकते हैं। आपको चक्कर आ रहा है, उसमें कम कर सकते हैं। आपको खांसी हो रही है, उसमें काम कर सकते हैं। यानी कि और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको सिम्टम्स बताया है, उस सिम्टम्स के हिसाब से आप अगर आपको ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो आप इस दवा को 30 नंबर में वैनेडियम 30 सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम लेना है, लगभग 1 से 2 महीने तक लेना है, तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने से पहले आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे बात करने के लिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। उसमें आप आईडी डॉक्टर कैलाश @cm4 डाल करके आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, या आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके इस दवा को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में, नई टॉपिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।